बॉलीवुड की गॉर्जियस अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस आज अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। फिल्म अलादीन से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस आज देश की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। क्या आप जानते हैं जैकलीन को मॉडलिंग में हमेशा से दिलचस्पी थी। उन्होंने साल 2006 में मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में छाने से भी पहले जैकलीन एक टीवी रिपोर्टर थी। जी हाँ, मिस श्रीलंका यूनिवर्स के बाद उन्हें एक म्यूजिक वीडियो का ऑफर आया और साल 2007 में वो ओ साथी टाइटल वाले एक वीडियो में नजर आई। ये म्यूजिक वीडियो उनके लिए इतना लकी साबित हुआ कि उन्हें बॉलीवुड फिल्म अलादीन से एक्टिंग करियर में ब्रेक मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद बॉलीवुड फिल्म रेस 2 और किक जैकलीन की झोली में आ गिरी और वहीं से उनकी किस्मत ने एक नया रुख पकड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान जैकलीन ने सलमान खान की खुलकर तारीफ भी की थी। जैकलीन ने कहा था, रेस और किक ने मेरे करियर को रीलॉन्च किया है। इसे अगर मैं अपनी सेकंड इनिंग कहूं तो गलत नहीं होगा। किक के बाद मेरे लिए हालात बेहतर हुए हैं। अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट आ रही है, मैं उसे हाँ या ना कहने की आजादी रखती हूँ। अब मैं अपनी भूमिकाओं में एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। इसके अलावा फिल्मों में एक्टिंग और डांस करने वाली एक्ट्रेस जैकलीन को खाना बनाने का काफी शौक है। एक मीडिया बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि वो कुकिंग को थेरेपी मानती है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। जैकलीन ने श्रीलंका में कीमा सूत्र नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया, जहां उनकी दादी माँ की रेसिपी डिशेस भी शामिल हैं।